तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हर हर महादेव और मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है शुभम नेगी और स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और मैं आजकल पहाड़ आ रखा हूँ और मम्मी यहाँ पे अंगारों में वो बना रही है रोटी, और उन्हें वाले रोटी अंगारों की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आइए जाते हैं मम्मी के पास। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे मोनी बैठी है और मम्मी बैठी है, और आप देख सकते हैं मम्मी चूल्हे पे बना रही है रोटी। मम्मी को चूल्हे पे बनाई हुई रोटी खाने में बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे साथ ही में ही कंतर भी, हम कंतर में पानी भी गर्म कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कैसे मम्मी चूल्हे पे पानी मतलब रोटी बना रही है। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। हम भी स्वस्थ मस्त हैं। हम बना रहे हैं अभी सुबह की रोटी, और हम तो रोज पहाड़ों में ऐसे ही बनाते हैं चूल्हे में, और आजकल हम बाहर बना रहे हैं। आज करेंगे हम किचन की लिपाई पुताई, क्योंकि वहाँ हो रखे थे कॉकरोच, अब वहाँ मैंने कल दवाई डाल रखी है। तो अब ना आज मैं वहाँ की पुताई करूँगी लाल मिट्टी से। लाल मिट्टी मैंने भिगोने के लिए रख दी है। दोस्तों देखिए, मम्मी ने कैसे लाल मिट्टी भिगो रखी है। इस वाले में भी मम्मी ने लाल मिट्टी भिगो रखी है, इस थैले में थोड़ी और लाल मिट्टी है, देख सकते हैं आप कैसे भिगो रखी है इस पीले वाले पतीले में। अब देखते हैं मम्मी और क्या बोलती है। बस क्या बोलना, पहले रोटी बना देती हूँ, ठीक है? बस आज का काम है पुताई का, ठीक है? किचन में हो रखे कॉकरोच। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मम्मी ने बोला कि किचन में बहुत सारे कॉकरोच हो रखे हैं, तो मम्मी ने कुछ दिन पहले कॉकरोच मारने की दवाई डाली थी, और आज हम उन सबको साफ करेंगे और लाल मिट्टी से वहाँ पुटाई भी कर देंगे। अरे दोस्तों, आप देख सकते हैं अंगारों की कितनी अच्छी अच्छी रोटी बन रही है, खाने में स्वादिष्ट होती है। शहर के लोग तो ऐसे नहीं बनाते हैं, शहर के लोग तो गैस में बना देते हैं, पर गांव में ऐसे ही चूल्हे में लकड़ियों से आग जला के बनाते हैं, जिस तवे में। आप देख सकते हैं कैसे बनाया है। मोनी भी यहाँ पर हेल्प कर रही है मम्मी की। हाँ तो दोस्तों, दादाजी मेरे को बार बार आवाज़ मार रहे हैं अपना कुछ काम के लिए, तो चलते हैं उनके पास और वो देखते हैं कि वो हमको क्या काम के लिए बुला रहे हैं। तो आ जाइए। हाँ तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं दादाजी के पास। हाँ बोलो दादा। हाँ जी, पिछले अच्छा। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो दादाजी है वो मुझको बोल रहे हैं कि आप पीछे ले जाओ मेरे को, तो अब मैं दादाजी को पीछे ले जाऊंगा। हाँ तो दोस्तों, अब देखिए मैं कैसे दादाजी को व्हील चेयर में पीछे खिसकाता हूँ। तो आ जाइए मेरे साथ, मैं खिसकाने वाला हूँ दादाजी को व्हील चेयर में पीछे। आ जाइए। हाँ तो दोस्तों, दादाजी बोल रहे हैं कि थोड़े पीछे ले जा रहे हैं, जहाँ पे सीढ़ी है, तो मैं वहीं पर ही ले जा रहा हूँ। दादाजी बोल रहे हैं पीछे कर, यहाँ पर पीछे ले जाने की और जगह है ही नहीं दादाजी, और पीछे ले जाने की कोई जगह ही नहीं है। नहीं है तो। हाँ तो दोस्तों, दादाजी मेरे को बोल रहे हैं कि अब तू एक मग्गे में गर्म पानी ले आ, और जरा सी अब मेरा वाला टूथपेस्ट ले आ, उसमें जरा सी कोलगेट लगा दे, मेरे को ब्रश करना है। पर मैंने दादाजी से बोला कि ये ब्रश आपको पापा थोड़ी देर बाद कराएंगे, तो ठीक है। तो दोस्तों, सुबह 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 दादाजी बोल रहे हैं कि मुझे घुमाओ, और तब सुबह हम दादाजी को घुमा रहा है। दादाजी बाहर पे आए हैं, अभी धूप भी नहीं निकली है, लेकिन दादाजी बोल रहे हैं कि मुझे बाहर पे ले जाओ घुमाने के लिए। तो सुबह हम घुमा रहे हैं दादाजी को। अरे चप्पल आ गया। अरे दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था कि मम्मी आज किचन में पुताई करेगी, तो मम्मी हो चुकी है अपने काम में शुरू। तो अब देखते हैं कि मम्मी पुताई कैसे करती है। और यहाँ पे सो रखे हैं हमारे दोनों के दोनों डॉगीज एक साथ,
तो अब चलते हैं हम किचन में और देखते हैं मम्मी कैसे करती है किचन की पुताई। तो आ जाइए दोस्तों, हम चलते हैं किचन में और देखिए मम्मी कैसे कर रही है किचन की पुताई। यहाँ हम दवाई डाली थी जिसकी वजह से यहाँ के सारे कॉकरोच मर गए और मम्मी कर रही है पुताई। मम्मी ने पहले हर एक दीवार को अच्छे से भिगा चुका है, आप देख सकते हैं ऊपर भी भिगा दिया है, हर जगह भिगा दिया है। और अब मम्मी करेगी पुटाई, पहले तो मम्मी लाल मिट्टी और ये देख सकते हैं यहाँ पे लाल मिट्टी है और इसी से ही करेगी मम्मी पुटाई, देख ही सकते हैं आप। हाँ दोस्तों देख सकते हैं मम्मी कर रही है इस कपड़े से तो पूरी किचन की पुटाई। अभी थोड़ी बहुत ही शुरुआत हुई है, देख सकते हैं आप कैसे मम्मी चेयर में चढ़ी है और देखिए गांव में ऐसे ही करते हैं। हाँ तो दोस्तों मम्मी ने कर दी है कप की भी किचन की लुताई और पुताई लुताई और पुताई लिपाई पुताई कर दी। हाँ। और ना धो के जा रहे हैं अब हम पुराने वाले घर में यानी कि कुरदार अभी रास्ते में है ना। हाँ तो ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों वीडियो को करते हैं हम बन एंड, अच्छी लगेगी मेरी वीडियो तो कर देना लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जो कुछ भी होता है सब कर देना। बाय बाय बाय, जय श्री कृष्ण।